नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। हे डियर गर्ल्स, आप लोगों का ट्यून तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग हमारे साथ ट्यून होने में क्यों अपोज करते हैं? कैन यू टेल मी? यू आर वेलकम टू आवर होटल, हैव अ नाइस डे। बॉबी, ये कैसा तरीका God है? bless you, my child. किसी के भी हाथ पकड़कर चूम लो? नो, God bless you, my child. ये हाथ तो सिर्फ कन्नन के लिए Have है। a nice day. जी मैडम। अरे सेंटा क्लॉज के बहाने ये सब लड़कियों को किस कर रहा है? अगला नंबर तेरी वाली का है। गणेश जी, मेरे सामने गायत्री को कोई किस नहीं करना चाहिए। हवा भी मुझे पूछ कर ही उसकी ओर जानी चाहिए। नो, मुझे छूने वाली हवा भी कन्नन की सास होनी चाहिए। कन्नन मेरे सांसों में बसा है ना? जी मैडम। यू आर वेलकम टू माय होटल। हे माय सूटकेस, ओह कैच इट। हे गर्ल्स, यहाँ पर फर्स्ट नाइट के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है, रूम तैयार है, आर यू इंटरेस्टेड? चल हाय। अरे वाह, प्यार में पड़ो तो क्या क्या आइडिया निकलते हैं। कोई पकड़ो ए मेरा सूटकेस, कोई पकड़ो। आइसक्रीम, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। ओ यहाँ तो ज्यादा निकाला। वो मेरा बैग है। ये सब क्या उल्टा हो रहा है? मेरा सूटकेस। अरे छोड़ो बेशरम। थैंक यू फॉर द टॉवेल। मेरी साड़ी है, मेरी साड़ी। अरे आई एम सॉरी। लगता है उठे के सुसाइड पॉइंट पर पहुंचेगा। ओ सीढ़ियां है, बचाओ मुझे, बचाओ मेरा बैग। थैंक यू मैडम, मैं एक और राउंड मार के आता हूं। चल जा यहां से स्टूपिड। ये क्या कह रही हो? हाँ यार, तेरे सूटकेस को म्यूजिकल स्टोर वाले कनन ने ही धकेला। उसने कहा तुम्हें छूने वाली हवा को उसे छूकर ही आना होगा, देखा वो तुम्हें कितना चाहता है। What nonsense! अगर मैं ये पहले जानती तो उसके सामने मैं उस क्रिसमस फादर को गले लगाकर उसे किस करती थी। वो कौन लगता है मेरा? उसका और मेरा क्या रिश्ता है? क्यों परेशान कर रहा है मुझे वो? इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करने आया था, उसका दिल रिपेयर करना होगा। Yes, he is fallen in love with you. मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो सारे जहां में फैला हुआ है, देखती हूँ तुम उससे कैसे बच सकती हो। उस कन्नन को देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई लड़का जब तक हमें डिस्टर्ब नहीं करता तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी लड़के से नफरत हो जाती है तो उसका अंत प्यार ही होता है। समझ रही हो गायत्री? आई बड़ी जूलियट। मैडम इस पिलो में हवा भर दूं? नहीं नहीं, ऐसे तो तुम मेरी जान ही ले लोगी। इसमें सिर्फ हवा नहीं है, मेरी जान है कन्नन, मेरी जान है। अब वो सो गए होंगे ना? हाँ सो गए होंगे मैडम। क्यों खड़ी हो, आओ आकर सो जाओ। मैडम मैं यही बैठ जाती हूँ। आपकी आंखों में एक फायर सा दिखता है। आई नो, एवरीबॉडी इज जेलस। भाइयों मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? ये देखो कमर पट्टा, ये कहाँ से उड़ा? अबे इस कमर पट्टे की माप की कमर जिस लड़की की होगी ना उसे ढूंढकर मैं प्यार करने वाला हूँ। ये फैसला हम लोग करेंगे। तू पाल को हाथ में लेके हर जगह लड़के को ढूंढ रहा है, अब ये कमर पट्टा लेकर कमर को ढूंढने निकला है। तुम दोनों के बीच में मैं मर रहा हूँ। चलो लड़ाई बंद करो, चलो। ऐसे क्या हुआ? कैसा है? अरे ये तो गायत्री है यार, कन्नन तो लव मास्टर हो गया है। देखो गायत्री, तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। क्यों दोस्तों, ठीक है ना? क्यों गायत्री शर्माती है क्या? मेरे सब फ्रेंड्स जेंटलमैन हैं। देखो हमें अकेला छोड़ देंगे। आज सब जमीन पर सोने वाले हैं। गुड नाइट। ये तो पूरी तरह पागल हो गया। वैरमुत्तु सर, आपकी फरमाइश प्रोग्राम में आपके नेक्स्ट कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं दिल्ली से बाबू बोल रहा हूँ। आप महान कवि हैं, मुझे बताइए प्यार दिल से होता है या शरीर से? अगर प्यार सिर्फ दिल से होता है तो तुम एक बिल्ली से प्यार कर सकते हो, और अगर प्यार का संबंध शरीर से है तो उसके लिए एक वैश्या भी चलेगी। कहने का मतलब दिल
और शरीर का जहां मिलन होता है उसे ही प्यार कहते हैं। ग्रेट सर, अगले कॉलर जरूर आपके बड़े फैन होंगे, आप ही इनसे बात कीजिए। सर, हेलो सर, मेरा नाम कन्नन है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपको शुभकामनाएं कन्नन, वैसे आप करते क्या हैं? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ सर। क्या उस लड़की से आपने अपने प्यार का इजहार कभी किया? मैंने अब तक उससे पूछा नहीं सर, क्या बताऊँ, मेरी हालत बहुत बुरी है सर। एक कहावत सुनी है आपने, चीटियों के बार बार चलने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं, कोशिश कीजिए। जरूर सर, पर एक लड़के को जब प्यार होता है तो कैसा महसूस होता है? बताता हूँ, तुम्हारी लिखावट खूबसूरत हो जाएगी, डाकिया भगवान के समान दिखाई देगा, तुम्हारी परछाई से शीशा टूट जाएगा, एक चिड़िया भी तुम्हें नहीं देखेगी, पर तुम ऐसा महसूस करोगे कि सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। फूल से टकराकर तुम बिखर जाओगे, मरते मरते तुम जियोगे और जीते जीते तुम मरोगे। सामने खाना होगा पर तुम उसे खा नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी भूख मिट जाएगी। सर, मेरी प्रेमिका के लिए एक कविता कहिए ना सर। सर, आप अगर इनको जवाब दे तो कनन ही नहीं बल्कि सभी नौजवानों के लिए यूजफुल रहेगा। गलत, बिल्कुल गलत। प्यार में तीसरे को मत आने दो, मैं आपका सपना नहीं देख सकता, आपका जीवन मैं नहीं जी सकता। ये आपका सपना है, आपका प्यार है, आपको ही सपना देखना है और आपको ही कविता भी लिखनी है। अगर प्रेम पत्र लिखना हो तो कैसे लिखें? अपनी आंखें बंद करो और अपने दिमाग के पर्दे पर प्रेमिका का प्रतिबिंब लाओ और दिमाग पर प्रेम की अग्नि जलाओ, उसमें डूब जाओ, खो जाओ, पिघल जाओ। पवन तुम्हारी हाथ जोड़कर सेवा करेगा और जब पवन तुम्हारे सामने झुक गया तो तुम्हारी प्रेमिका भी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। बादल को अपना कागज बनाओ, नीले आकाश से थोड़ी सी स्याही ले लो, चांद और सूरज को अपने शब्दों का रूप देना, ये सारा जहां तुम्हारी प्रेमिका से तुम्हारे प्यार का इजहार करेगा। प्रेम की पूजा करो और फिर कविता लिखो, तुम खुश रहो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। यस। प्यार का वादियों की छाँव से नीले आसमान का कलमों से करेंगे हम लफ्जों को बयां शब्दों में लिखेंगे साजन मेरे प्यार का पलकों से लिखेंगे किस्सा अपने प्यार का वादियों की छाँव से नीले आसमान का। ख्वाबों में लिखा है अपने दिल पे ये जीवन मेरा तेरी मोहब्बत में हो गई मैं दीवानी तेरे मेरे प्यार की है सच प्रेम कहानी पलकों से लिखेंगे किस्सा अपने प्यार का वादियों की छाँव से नीले आसमान का। ये
कोयल की छमछम से तू जो बुलाएगी, आहट को सुन के मैं तो दौड़ा आऊंगा। तुमको बुलाऊंगी, अपना बनाऊंगी, दिल में तुमको अपने बसाऊंगी। आंखों में रहूंगा काजल की तरह, होठों पे रहेगी बस प्यार की ही दास्तां। से लिखेंगे किस्सा अपने प्यार का, ला 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 ला। ओ, पलकों से लिखेंगे किस्सा अपने प्यार का, कलमों से करेंगे हम लब्जों को बयां, शब्दों में लिखेंगे साजन मेरे प्यार का, पलकों से लिखेंगे किस्सा अपने प्यार का। ओ, वादियों की छांव से नीले आसमान का। हेलो चाइल्ड। यस। हेलो चाइल्ड, हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। हैप्पी क्रिसमस बेबी। थैंक यू। सुनिए सर, मैं जो भी मांगू मुझे मिलेगा? जरूर मिलेगा माय सन। ओह सो स्वीट, तो आप मुझे ये ड्रेस दीजिए ना। मुझे मुंह छुपा कर प्यार करना पड़ रहा है। हाँ, मेरी क्रिसमस फादर। मेरी क्रिसमस माय चाइल्ड। कल आपने हमें इनवाइट करके वेलकम किस किया था, एक लड़की को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आप मुझे किस करते हैं तो उसे क्या लेना देना? वेरी गुड आइडिया। हेलो, आप अपने फ्रेंड को कह देना मैंने क्रिसमस फादर को किस किया था। जाकर कह देना मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे यार, तेरे से कुछ कहना चाह रही है, उसी को बोल दीजिए। वही है कन्नन, कमल हसन के बाद ओल्ड मैन गेटअप तुझे ही सूट हो रहा है दोस्त। थैंक यू गायत्री, थैंक यू फॉर द किस गायत्री। ये इतना खुश है, आपने से कोई स्पेशल किस तो नहीं दिया? ए कन्नन, रुको। अरे कैसा किस दिया यार? कन्नन रुको कन्नन। आउटिंग के लिए मैंने जो जगह सिलेक्ट की है बहुत अच्छी है ना? सुपर मैडम, मेरा सिलेक्शन हमेशा सुपर्ब होता है। जी मैडम। जरा सुन, स्नेहा कन्नन आ रही है। स्नेहा वरदराजन आ रही है। कन्नन, मेरी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेस अच्छी लगती है ना? कन्नन, मैंने वो लाल बिल्ली का लेंस पहनेगी तो क्या ठीक से दिखाई देगा? मैं बदबू से ही समझ गई थी। कन्नन, मुझे ये तो बता, ये कॉन्टैक्ट लेंसेस मुझ पे जचते हैं ना? आपको इस उम्र में कॉन्टैक्ट लेंस की क्या जरूरत है? वो तो कॉन्टैक्ट। तुम्हें प्रिंसिपल को सारा किसिंग मैटर बताना चाहिए था। बताया था, जानती हो बुढ़ी ने क्या कहा? उसने मुझे धमकी दी कि कन्नन मुझे मिलने मेरे रूम की तरफ आ रहा था। तुमने बीच में उसे डिस्टर्ब किया, आइंदा ऐसा किया तो कॉलेज से निकलवा दूंगी। बढ़िया ही निकलने वाली। हेलो, गिटार हाथ में लिए क्या कर रहे हो? तो आप लोग किस कॉलेज से हो? We are from UT college. मैं मद्रास क्वींस कॉलेज से हूँ। हेलो, हम भी कंपटीशन के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आजकल के स्टूडेंट्स सब में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, सिवाय कुछ। ये उनको क्यों टॉर्चर कर रहा है? टॉर्चर हम लोग हो रहे हैं। कन्ना, ये क्या है? कब से उस डब्बा कैमरा को लेके फोटो पे फोटो खींचे जा रहा? क्या बात है? अरे फ्रेंड्स, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को कोई मार रहा है। चलो 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 चल चलो भाई चल। ए छोड़ छोड़ ए छोड़ अरे छोड़ छोड़ रोड ए छोड़ 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 अरे क्या कर रहा है? छोड़ क्या कर रहा है यार? कौन छोड़ दे? अरे छोड़। Oh!
जल्दी से पकड़ो। तेरी ये मजाल, बस करो अभी दिखाता हूँ। बस करो। तुम क्या अपने आप को हीरो समझते हो? इसे बुरी तरह से पीट रहे हो? देखिए मैडम, आप इसे यहाँ लेकर आई थी ना, इसकी वजह से हमारे कॉलेज का नाम खराब होगा। ए, चलो अब इससे माफी मांगो। ये क्या कह रही हो? उसने गलत फोटोज। ए, क्या गलत फोटोज? नेचर की फोटो लेना क्या गलत है? पहाड़ों की फोटो लेना क्या गलत है? गायत्री, उसने गलत फोटोज लिए। नहीं, मैं शुरू से देख रही हूँ तुम गुंडागिरी कर रहे हो। फौरन ये कैमरा उसे वापस करो और माफी मांगो। मैडम अभी इसके प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट? मैडम इसे प्रिंट मत कीजिए, इसमें बुरे फोटोज हैं। देखा देखा मैडम, देखा ना आपने? कन्नन आप क्यों घबराते हो? अब इसका प्रिंट देख ही लेंगे हम। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। दीजिए, मुझे आप पे भरोसा है। स्टुपिड, आर यू ऑल राइट? वी आर रियली सॉरी। हां, एक्सट्रीमली सॉरी। प्रिंट निकालने से पहले ही मार खाना।